तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टी की ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 10th क्लास का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, ऐसे में हम अपने बड़ों से या किसी भी टीचर से पूछते हैं कि कैसे करें, तो वो लोग भी यही सजेशन देते हैं कि एक बार सैम्पल पेपर जरूर पढ़ लेना। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि सैम्पल पेपर के बहुत से प्रश्न सेम टू सेम आ भी जाते हैं एग्जाम पेपर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सैम्पल पेपर, साथ ही इससे हमें पता भी चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, सभी विषय के सैम्पल पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप चैनल पर जाके बाकी विषयों के सैम्पल पेपर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी विषय से। तो हिंदी विषय का सैंपल प्रश्न पेपर देखने से पहले हम ब्लू प्रिंट देख लेते हैं। ब्लू प्रिंट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय के कितने अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी अध्याय के ब्लू प्रिंट देख सकते हैं कि कौन से अध्याय के कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सैंपल प्रश्न पेपर देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये तो हो गया ब्लू प्रिंट, चलिए सैंपल पेपर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का सैंपल पेपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं समय दिया है 3 घंटे, पूर्णांक दिया है 75। यहाँ पे सामने में कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका एक निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पहला जो है इसमें टोटल 3 खंड हैं और प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न एक एक नंबर वाले पूछे गए हैं। आपको देख के समझ आ जाएगा आगे प्रश्न पेपर देखेंगे तब। तो चलिए देख लेते हैं कि बोर्ड क्लास में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला है, इसका खंड अ है, वैकल्पिक प्रश्न है। इसका मतलब है कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसके 4 आंसर दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुन के लिखना है। ठीक है, 4ों में से। इस प्रकार से प्रश्न पहला का खंड अ में टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न पहला का ही खंड ब है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान में सही आंसर आपको लिखना है, सही उत्तर लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न पहला का हिस्सा है, उचित संबंध जोड़िए, इसमें 2 खंड दिया गया है, अ और ब 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों में से आपको सही मिलान करके आंसर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखिए, प्रश्न 2 से 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 6 तक के आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए, प्रश्न 7, 8, 9, 10 टोटल 4 प्रश्न है, 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न 11 से लेके प्रश्न 11, 12, 13 और 14 ये टोटल 4 प्रश्न आपके कितने नंबर वाले रहेंगे, 4 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न 15 गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रश्न 15 5 नंबर वाला प्रश्न है, प्रश्न 16 5 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, प्रश्न क्रमांक 17 आपके 5 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इतने प्रश्न रहेंगे आपके 5 नंबर वाले। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न 15, 16, 17 ठीक है आपके रहेंगे 5 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, आपके निबंध होते हैं 8 नंबर के। ठीक है, यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, निबंध होते हैं आपके 8 नंबर के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का प्रश्न पेपर इस प्रकार से आता है। तो आप इस प्रकार से आप तैयारी करने में आपको सहायता मिल सकती है आपके। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाते हैं और प्रश्न पेपर किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, जैसा आपको दिखाया गया है वो इसी प्रकार से कक्षा 10वीं के बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि ऐसे वीडियो हम अपलोड करें और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।